नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश दीक्षित आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा CPO के बारे में सारी ही डिटेल्स, कंप्लीट प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन के लिए वो हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है वो डिस्कस करेंगे, और इसकी लास्ट प्रीवियस कट ऑफ्स कितनी गई है, वैकेंसीज कितनी आई थी, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, और मेन बात क्या है, इसमें टैटूज अलाउड हैं या नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है। पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, CAPF या ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको CISF में मिलेगी, और बाकी सब फोर्सेज में आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार्स होते हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 1 स्टार होता है। अब अगर बात करें CAPF के अंदर टोटल 7 फोर्सेज हैं। CAPF क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। इसके अंदर टोटल 7 फोर्सेज हैं, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, AR और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG, AR है असम राइफल्स। इन 7 फोर्सेज में से इन जो 5 फोर्सेज का जो रिक्रूटमेंट है वो CPO एग्जाम के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BTech हो, ठीक है। और आपकी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 1st अगस्त ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर। अगर हम बात करें CPO 2018 की, तो आपकी जो डिग्री है वो आपको 1 अगस्त 2018 से पहले मिल जानी चाहिए। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर आप इसमें जो बच्चों का डाउट आएगा वो क्या हम फाइनल ईयर में हम दे सकते हैं CPO का एग्जाम, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपके सारे जो एग्जाम है वो 2018 1 अगस्त से पहले हो जाने चाहिए। अगर बैक आ गई आपके 2018 के एग्जाम में और उसका जो एग्जाम है वो कभी अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, तब आप एलिजिबल नहीं है। प्रोविजनल डिग्री जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बिल्कुल चलेगी। अब बात करते हैं इसकी एज की। इसकी जो एज है और CGL के एग्जाम की जो एज है उसमें डिफरेंस है। CGL में जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 30, 32 साल तक है, 27 साल तक तो है ही, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट काफ़ी कम है, 20 इयर्स से 25 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। OBC कैटेगरी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 साल, और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन। चलिए अब बात करते हैं इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ये जो पूरा ही जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है और सारे ही क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है। मेंस की अगर हम बात करें, प्री पेपर वन कह लीजिए, पेपर वन में आपके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS 4 सब्जेक्ट होंगे। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल हो गए 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा। पेपर वन होने के बाद जो भी बच्चे पेपर वन को क्लियर करेंगे, 1.5 महीने बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा, फिर होगा PET, PMT या PST आप कह सकते हैं, आपको रेस्पेक्टिव जगह पे बुलाया जाएगा और आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको भगाया जाएगा, आपकी एंड्योरेंस टेस्ट की जाएगी, भाग दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब। PMT या PST एक ही बात है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपकी हाइट, वेट, ये सब आपका नापा जाएगा कि वो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं। जो भी बच्चे इसको क्लियर करेंगे उसके बाद उनको पेपर 2 के लिए सेंटर्स पर बुलाया जाएगा, और वहां पर उनका केवल और केवल 1 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, इंग्लिश का, जिसमें 200 सवाल आएंगे, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे। उसके बाद जितने भी बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करेंगे फिर एक कट ऑफ आएगी और उन बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल होने के बाद मेडिकल की क्या प्रोसीजर है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, उस पर भी बात करेंगे। तो वो जो बच्चे क्लियर कर देंगे तब जाके एक फाइनल कट ऑफ आती है। अब अगर हम देखें कि CGL और CPO में क्या डिफरेंस है, अगर हम उस पर बात करें तो पहला डिफरेंस है एज। एज जो है इसमें काफ़ी कम मिलती है, 25 साल के बाद आप ओवर एज हो जाते हैं और 20 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां CGL में वो 18 से लेके, जनरल की बात कर रहे हैं, 32 साल तक जाती है। सेकेंड है इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जो कि CGL में उस लेवल का नहीं होता है। भगाया दौड़ाया CGL के एग्जाम में जो भी पोस्ट मिलती है उसमें बिल्कुल नहीं जाता है। मेडिकल की बात करें तो CGL के मुकाबले इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। CGL के जितने भी मैंने इनकम टैक्स ज्वाइन किया, एक्साइज ज्वाइन किया, मेडिकल लगभग ना के बराबर ही होता है। आपको बस जाना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ से मेडिकल बनवा के लाना है, कुछ खास चेकअप नहीं होता है।
लेकिन इसका जो मेडिकल होता है ये आपका उसी सेंटर पर होगा, ये खुद बुलाएंगे, वहां पर जो डॉक्टर्स होंगे वो आपका चेकअप करेंगे। इसका मेडिकल जो है वो काफी हाई लेवल का होता है। इस पोस्ट के लिए कोई भी टाइपिंग रिक्वायर नहीं है, जो कि सीजीएल के एग्जाम में कई पोस्ट के लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड है। इसमें इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर 4, जैसा कि सीजीएल में अब हो गया है। आप चाहे उसे कह लें इंटरव्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव पेपर आ गया, ये हम बात करें इंटरव्यू यहां पर है ही नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं। इंग्लिश जो है केवल इंग्लिश आती है मेंस के पेपर में, मैथ्स नहीं आता है। तो यहां पर ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वहीं जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए यहाँ पर कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट करना होगा। और एक जो लास्ट छोटा सा पॉइंट है, डीएल रिक्वायर्ड है 2-व्हीलर + 4-व्हीलर का, ठीक है, LMV लाइट मोटर व्हीकल डीएल रिक्वायर्ड है। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ तब, अगर आप और किसी में भी सब इंस्पेक्टर या ASI बनना चाहते हैं तो उसके लिए डीएल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका ड्रीम है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर तो आपको डीएल बनवा लेना है। और डीएल आपका चेक होगा 2-व्हीलर + 4-व्हीलर का जब आप देने आएंगे PET और PMT, यानी कि पेपर 1 क्लियर करने के बाद जब आप अपना फिजिकल देने आएंगे तब आपका वो डीएल देखा जाएगा। अब बात करते हैं PMT या PST के बारे में, दोनों एक ही बात है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट रिक्वायर्ड है 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और ST कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। SC कैटेगरी की यहाँ कोई बात नहीं करी गई है, इसका मतलब उनको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। चेस्ट की बात करें तो 80-85 होना चाहिए, ये विदाउट एक्सपेंशन, ये विद एक्सपेंशन और ये विदाउट एक्सपेंशन, विद एक्सपेंशन ST कैटेगरी के लिए। विदाउट एक्सपेंशन विद एक्सपेंशन सबको पता ही होगा, सांस बिल्कुल छोड़ के आपकी जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो कितना है वो मिनिमम 80 होना चाहिए, और विदाउट एक्सपेंशन और मिनिमम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए पूरी सांस लेने के बाद। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, जनरल कैटेगरी 157 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम रिक्वायर्ड है और वहीं 154 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है ST कैटेगरी के लिए। अगर बात करें इनके वेट की तो वेट के लिए उनके पास एक चार्ट होगा कि अगर आपकी हाइट इतने सेंटीमीटर है तो आपका वेट जो है वो इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, अगर वो है तो आप सिलेक्ट किए जाएंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं PMT और PST के बारे में, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों ही एक ही बात है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और ST कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए कोई बात नहीं करी गई है, यानी उनको जो है वो जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। चेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी मेल के लिए रिक्वायर्ड है 80 सेंटीमीटर मिनिमम और 85 सेंटीमीटर मिनिमम विद एक्सपेंशन। ये विद एक्सपेंशन है, ये विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि सांस छोड़ने के बाद 80 सेंटीमीटर आना चाहिए मेजरमेंट और पूरी सांस भर के मिनिमम 85 सेंटीमीटर आना ही चाहिए। ST कैटेगरी के लिए 77 और 82 है। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी हाइट जो मिनिमम रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी 157 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी 154 सेंटीमीटर। वेट की अगर बात करें तो वेट का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपका वेट इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। उनके पास एक चार्ट होता है, उसमें आपकी हाइट के हिसाब से जो वेट है उसको देखा जाएगा, अगर वो सही है तो आप सिलेक्टेड हैं पेपर 2 देने के लिए, अदरवाइज आपको वहीं रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि अगर आपको लगता है आपने मेजर करवाई अपनी हाइट पहले, 170 पॉइंट कुछ आ रही है, 170 तो आपकी है ही है, मैं मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, और वहां पे आपकी हाइट मेजर की जाती है 169.5 सेंटीमीटर, आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कोई भी 10-15 दिन ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा मेडिकल में मिलता है। अगर आप मेडिकल में रिजेक्ट होंगे तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, अगर आप उस चीज को रिकवर कर जाते हैं, आप उस चीज को सही प्रूव कर देते हैं, आपको फिर से मेडिकल देने का मौका मिलेगा तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप एक बारी फिजिकल में फेल हो गए तो आपका मेडिकल क्या आपको पेपर 2 भी नहीं देने दिया जाएगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है लेकिन वहां मेजर की जाती है 169.5 सेंटीमीटर है ऐसा कुछ, तो आपको अपील करनी होगी अपीलेट अथॉरिटी से, जो कंसर्न सर होंगे वो आपको वहीं मिल जाएंगे, आपको बात करनी होगी थोड़ा इधर उधर कि मेरे को अपील करनी है, उससे रिलेटेड जो कंसर्न सर है उनसे मुझे मिलना है। अगर वो आपसे मिलते हैं तो आप उन्हें बताइए अपनी प्रॉब्लम कि मेरी हाइट जो है वो एक्चुअल 170 सेंटीमीटर है, मैंने मेजर भी करवाई है लेकिन यहाँ पर 169.5 आ रही है, तो उनकी निगरानी में आपकी हाइट एक और बार मेजर करी जाएगी और अगर वो 170 आ जाती है तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखो पूरी अपनी जान लगा दो, आप वहां तक अगर पहुंचे हो
तो जिससे भी मिलना हो, अगर थोड़े बहुत से रह रहे हो तो वहां जरूर बात करें। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट 167 मेजर हो रही है और आप कहें नहीं मेरी 170 है। चलिए अब देखते हैं पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसके स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी एक्सर्समैन सर हैं उनको ये देने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें बाकी कैंडिडेट्स की, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 मीटर की जो रेस है वो भागनी है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, इसके लिए 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 1.2 मीटर या कह लें 4 फीट, ये 3 चांस, शॉर्ट पुट 7.25 केजी का आपको फेंकना है 4.5 मीटर, उसके लिए भी आपको 3 चांस, इन तीनों के लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर खासकर सीपीओ की बात करी जाए, ये काफी हाई हैं। इसके लिए अगर आप सोचें कि विदाउट एनी प्रिपरेशन आप सीधे ग्राउंड में जाके इतना भाग लेंगे 6.5 मिनट में 1600 किलोमीटर, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको एटलीस्ट 15-20 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो उनको 100 मीटर भागना है 18 सेकंड्स में, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स का है, हाई जंप जो है वो 0.9 मीटर या 3 फीट का है, इन दोनों के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, आपके लिए शॉर्ट पुट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। अगर इसे मैं कंपेयर करूं सीजीएल की जितनी भी पोस्ट है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड से, तो इसका जो मेडिकल है वो बहुत हाई है, क्योंकि सीजीएल में बहुत ही रेयरली कोई बहुत बड़ा डिजीज है और अगर वो पकड़ में आ जाता है तब आप मेडिकली अनफिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेडिकल अनफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेडिकल यहाँ पर किए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। पहली बात करें अगर आँख की, आई की, तो आपकी जो आई साइट है वो 6x6 होनी चाहिए बहुत आईज में, अगर एक में 6x9 है तो भी चलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है विदाउट ग्लासेस, अगर आप चश्मा पहनते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तब आप रिजेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेज़र करा रखी है आँखों की, लेज़र सर्जरी करा रखी है, तो आप पास हो जाएंगे अगर आपकी आई साइट जो है वो अभी सही है। दूसरा टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, इसमें क्या होता है, एक बुक होती है उसमें एक कलर से डॉट 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 करके एक नंबर लिखा होता है, वो आपको पढ़ना होता है। उसमें होता क्या है कि जो बच्चा कलर ब्लाइंडनेस जिसको नहीं है उसको नंबर कुछ और दिखेगा, और जो कलर ब्लाइंड है किसी एक रेस्पेक्टिव कलर में, मान लो से रेड कलर नहीं दिखता या ग्रीन कलर नहीं दिखता, तो उसे कुछ और नंबर दिखेगा। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस अपनी चेक करना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, यहाँ पर उसका लिंक दिया होगा नीचे, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है एक पीडीएफ, आप उसे देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं तो आप कहीं भी नेट पर सर्च करेंगे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। थर्ड है स्क्विंट आई। स्क्विंट आई का मतलब होता है भेंगापन, एक आँख का कहीं और देखना, एक आँख का कहीं और देखना, तो वो एक मेडिकल रिजेक्शन है। आँख के बाद आता है कान। कान में जो दो टेस्ट होंगे वो एक तरह से योगा, आपके कान साफ करवा के जाएंगे आप जब आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं। दूसरा होता है हियरिंग टेस्ट, उसमें क्या करेंगे, आपके एक कान पर एक पेपर लगा देंगे और उस पर थोड़ा सा नॉइस, स्क्रैचिंग नॉइस करते जाएंगे, और दूर से थोड़ा पीछे से आपके बोला जाएगा कोई नंबर, आपको ऐसे 8-10 नंबर बोले जाएंगे, आपको वो सुन के सही बताने हैं, 90% एक्यूरेसी है तो बिल्कुल सही है। बात आती है अब नोज की। नाक में अगर आपकी कोई हड्डी बढ़ रही है, लेफ्ट कहीं कहीं किसी एक नाक से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक रिजेक्शन है, जिसका एक लेवल होता है, अगर उससे ज़्यादा आपकी नाक की हड्डी बढ़ रही है तो वो एक रिजेक्शन है। और है सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैट फुट और नॉकनीस, इन पर बात करें, सबसे पहले फ्लैट फुट की बात करें तो चपटा पैर, उसमें क्या होता है कि एक आर्च होता है, एक होता है हमारा आर्च, वो आपका टेस्ट कैसे करेंगे, आप खुद कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आप पानी पर पैर रख के आप नॉर्मल जो है जमीन पर चल के देखें, अगर आपका इस तरह की ये जो आर्च है ये आ रही है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है, लेकिन अगर आपका जो पैर का जो निशान है वो कुछ फ्लैट इस तरह का आता है तो फ्लैट फुट का इशू है और वो भी एक रिजेक्शन है, ठीक है। अब आता है नॉकनीस। नॉकनीस में क्या होता है, आपके अगर घुटने जुड़ रहे हैं, अगर आपके घुटने जुड़ रहे हैं दोनों कुछ इस तरीके से, तो ये नॉकनीज है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पैर मिला के खड़े हो जाओ, अगर घुटनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है तो नॉकनीज है इसका मतलब, और वो भी एक रिजेक्शन का कारण है। आपके थोड़ा गैप होना चाहिए दोनों घुटनों के बीच में, बोलते ऐसा है कि भागते वक्त घुटने लगते हैं, इसलिए नॉकनीज वाले कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता है आर्मी में भी, नेवी, एयरफोर्स और इवन ये सीपीओ के एग्जाम में, ठीक है। कई बोलते भी हैं कि आप तकिया बांध के सो जाओ कुछ दिन तो गैप खुल जाता है, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर नॉकनीस का इशू है बाकी सब सही है तो आप वो करके देखें, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप वो एक बार ट्राई करें।
ब्लड टेस्ट होगा कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, शुगर लेवल सब कुछ सही है, एक्सरे चेस्ट का, बैक का, कुछ लंग कैंसर वगैरह ये सब अगर कुछ ज़्यादा सीरियस इशू है उसके लिए। ऑल फिंगर्स, सारी ही फिंगर्स आपकी होनी चाहिए, हाथ की पैर की कोई कटी उंगली नहीं होनी चाहिए। दांत की बात करें, अब ये जो पॉइंट है ये काफ़ी हद तक डॉक्टर के ऊपर होता है, जैसे पायरिया नहीं होना चाहिए दांतों में, दांत में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये सब जो है कुछ डेंटल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके वो चीज़ सही है तो आप सिलेक्टेड है, अदरवाइज जैसे दांत में गैप बहुत ज़्यादा है, पायरिया है, स्मेल आना कुछ आना, उस तरह का इशू है, दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो वहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। वेरिकोस वेन, इसमें क्या होता है, घुटने के पीछे कुछ इस तरह के आपने देखा होगा, जो एजेड लोग होते हैं उनके काफ़ी ये बीमारी देखी जाती है, मोटी मोटी वेन्स हो जाती हैं ब्लैक कलर की, नीले रंग की, उसको कहते हैं वेरिकोस वेन, वो एक रिजेक्शन का कारण है। और अब इम्पॉर्टेंट बात आती है टैटू, आजकल काफ़ी जो बच्चे हैं वो टैटूज बनवाने के बड़े ही शौकीन हैं। अब इसमें जो है तीन बातें, वैसे तो ऐसा कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के केस में या दिल्ली पुलिस में SI के लिए आप टैटूज अगर आपके हैं तो अलाउड है, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बात उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपका एग्जामिनेशन ले रहे हैं मेडिकल वो क्या सोचते हैं। इसमें तीन पॉइंट मेनली देखे जाते हैं, पहला है कॉन्टेंट, टैटू का क्या है। कॉन्टेंट की बात करें कि अगर वो किसी धर्म से रिलेटेड है, ओम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट की जाती है, अलाउड है। मगर अगर वो कुछ बेहुदा है तो फिर ये अलाउड नहीं, आप उसको रिमूव करवाएं, अगर रिमूव हो सकता है तो। काफ़ी परमानेंट टैटूज भी आजकल रिमूव किए जा सकते हैं। दूसरी बात आती है लोकेशन, लोकेशन मतलब वो बॉडी के किस साइड पर है उस पर बात करेंगे। और लास्ट है उसका साइज, उसका जो साइज है वो 1/4 ऑफ द बॉडी पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने अगर हाथ पे, कलाई पर अगर टैटू बनवा रहा हूँ तो मेरे हाथ के जो 1/4 लंबाई है उसके बराबर अगर टैटू है तो ओके है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसका कॉन्टेंट सही होना चाहिए और उसकी लोकेशन, लोकेशन पर अगर बात करें, अगर वो आपके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है तो ओके है, राइट साइड में ओके नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये जो है ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है, इसमें आप सैल्यूट करते हैं अपने सीनियर को, तो वो टैटू नहीं दिखना चाहिए, एक तरह से वो डिसरेस्पेक्ट है, ठीक है। अब आपकी ये जो हाथ है आपने पूरा ही टैटू बनवा रखा है, देन इट इज़ नॉट अलाउड, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। हाफ शर्ट के बाहर जितना भी दिख रहा है अगर वो ज़्यादा है, 1/4 से बड़ा है, तो वो अलाउड नहीं है। अब आपको 15 डेज दिए जाते हैं, अगर आपका साइज टैटू का बड़ा है या कोई भी इनमें से बीमारी जिसमें आप पकड़े जाते हैं, आपको 15 डेज दिए जाएंगे रीमेडिकल के लिए। अगर आप वहां पर उस पॉइंट को क्लियर कर जाते हैं तब आपका मेरिट में नाम आ सकता है, अगर आपका स्कोर अच्छा है, मतलब मेडिकल आपका पास माना जाएगा। अगर आप 15 डेज में वो चीज़ सही नहीं कर पाते हैं तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा, और अगर आप चाहें तो अगला CPO का एग्जाम देकर आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज वैकेंसीज और प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। अगर वैकेंसीज की बात करें तो 2015 में 2900 वैकेंसीज थी, 2016 में 3000, 2017 में 3300 और 2018 में 3400। तो वैकेंसीज तो हर साल बढ़ती ही गई हैं, लेकिन उसी तरह जो कट ऑफ है वो भी हर साल बढ़ती गई है। अगर CPO 2016 की मैं बात करूँ तो ये जो कट ऑफ है वो लिखी है जनरल कैटेगरी की डिफरेंट पोस्ट के लिए। अगर आप बाकी कट ऑफ देखना चाहते हैं तो या तो आप गूगल से डाउनलोड कर लो, नहीं तो जो टेलीग्राम का लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि CPO की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी ये कट ऑफ देखी होंगी। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ है वो आपको पता है सबसे ज़्यादा जाती है, दैट इज़ 287 गई थी CPO 2016 में, और बाकी पोस्ट की ये कट ऑफ दी गई है। तो जो सबसे कम कट ऑफ गई थी वो गई थी ASI CISF की, लेकिन वहीं अब अगर आप 2017 ही कट ऑफ देखें, जो फाइनल रिजल्ट है वो तो 31 अक्टूबर को आने वाला है, लेकिन ये जो कट ऑफ दी है ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 की दी हुई है, जहाँ जनरल की कट ऑफ जो है ये 293 है, ये कट ऑफ है मेडिकल से पहले की, पेपर 2 होने के बाद जो रिजल्ट आता है मेडिकल से पहले कि उसकी कट ऑफ है। तो मेडिकल के बाद जो है ये कट ऑफ बढ़ सकती है, जहाँ तक ये बढ़ेगी, तो अभी जो कट ऑफ है वो 293 है, अगर इससे बढ़ती ही है, अगर 295-296 जाती है तो आप देखें जो कट ऑफ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। अभी क्लियर कट कुछ नहीं कह सकते कि ये कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, हाँ ये बात है कि इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू कम होने के। तो एट द एंड अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर आप CPO की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है,
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आपको जो स्कोर रखना है, अभी हमारी नज़र रहेगी 31 अक्टूबर को जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें क्या हमें पता चलता है कि डिफरेंट पोस्ट की क्या कट ऑफ गई है, तो उसमें हमें देखना है कि कट ऑफ कितनी जाती है। बट हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मार्क्स हैं पेपर वन प्लस पेपर टू वो कभी भी 300 के नीचे ना जाएं, तो आपको ब्रेकअप करना है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको फिर वही बात बोलूँगा कि ये वीडियो सबके साथ शेयर ना करें अगर ये सिलेक्शन लायक वीडियो थी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सिलेक्शन कम होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।